हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल टेक्नो तपन। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड और ख़ास वीडियो है, और वो है कि आप नए वाले IRCTC अपडेटेड ऐप पर आप किस तरह मास्टर लिस्ट में नए पैसेंजर का नाम ऐड कर सकते हैं और टिकट बुकिंग के वक्त आप काफ़ी समय बचा सकते हैं। ख़ास तौर पर ये चीज़ तत्काल टिकट के वक्त बहुत ही आपको मदद करती है। तो चलिए हम लोग IRCTC ऐप अपना खोलते हैं, और खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हम लॉगिन पे ऊपर टच कर रहे हैं, और लॉगिन पे दोस्तों ये हम अपना पिन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड दोस्तों सही सही लिख देंगे। और दोस्तों देखिए, मैंने अपना पिन नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, और लॉगिन पे दोस्तों टच कर दिया, और मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ अपने IRCTC अकाउंट में। ये मैंने दूसरे का अकाउंट मांगा है एक से आप लोगों को दिखाने के लिए कि मास्टर लिस्ट में किस तरह ऐड करेंगे। और देखिए दोस्तों, नीचे है माई अकाउंट सेक्शन। माई अकाउंट सेक्शन में दोस्तों देखिए, आप मास्टर लिस्ट, माई मास्टर लिस्ट आपको दिख रहा है प्रोफाइल के नीचे, और नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड तो आएगा ही, क्योंकि इसमें कभी ऐड ही नहीं है। अब हम ऊपर देखिए टॉप राइट में दोस्तों ऐड पैसेंजर है, वहाँ पे टच कर दे रहे हैं, और नाम एज पर आधार दोस्तों हम टाइप कर देंगे। देखिए ओके, डेट ऑफ बर्थ जो आधार में जो मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ दोस्तों मेंशन कर देंगे। ओके, जेंडर मेल कर देते हैं, बर्थ प्रेफरेंस चलिए लोअर बर्थ कर देते हैं, और दोस्तों फूड नो फूड या यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर सेलेक्ट कर भी लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे लेना पड़े, ये प्रेफरेंसेस बस एक है आपका। और आईडी कार्ड टाइप, सेलेक्ट आईडी कार्ड टाइप, देखिए यहाँ पे इतने सारे आईडी आप लगा सकते हैं, कोई भी आईडी, तो चलिए हम लोग आधार को ही लगा देते हैं। आईडी कार्ड नंबर यानी आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल फिल कर दी, और अब मैं ऐड पैसेंजर पे दोस्तों मैं टच करने जा रहा हूँ। ऐड पैसेंजर पे दोस्तों टच करते ही पैसेंजर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, और देखिए यहाँ पे दोस्तों आधार और बाकी सारी डिटेल्स आ गई, वेरीफाइड लिख करके आ गया। अब दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि अकाउंट वेरीफाई हो गया। अकाउंट वेरीफाई के लिए दूसरा तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि कैसे आप मास्टर लिस्ट में अपने घर के सारे मेंबर्स का या अपने एकाध जानने वालों का भी आप नाम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा पैसेंजर का ऐड अगर करना है तो आपको इसी तरह आप ऐड पैसेंजर ऊपर यहाँ देखिए टच करेंगे, और इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे। ये जो लिख के आ रहा है ये मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक फिल करके बता रहा है, तो इसको आप ना जाइए इसके ऊपर। और इस तरह आप दोस्तों कई पैसेंजर आप ऐड कर सकते हैं अपनी मास्टर लिस्ट में, और इससे फ़ायदा ये रहता है टिकट बुकिंग के वक्त आपको नाम वगैरह, एज वगैरह और बाकी डिटेल्स आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों टिकट बुकिंग में आप मास्टर लिस्ट का उपयोग आप किस तरह करेंगे, इसके लिए आप मेरे टिकट बुकिंग वाले वीडियोज़ यानी कि तत्काल टिकट वाला वीडियो और नॉर्मल टिकट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको मास्टर लिस्ट में किस तरह पैसेंजर ऐड कर सकते हैं और किस तरह उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। आशा करता हूँ वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा होगा, हमेशा की तरह आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।